ये दोनों में ही हमारी मुसीबत रखे जी। जी ओम सैनी जी के पास आता हूं। जब शी जिनपिंग इंडिया में आए थे तो मोदी को हिदायत दी गई थी, मालूम है आपको सर, कि आप उनके गले नहीं लगेंगे, और दूसरा आज जब आप उसे हैंडशेक करेंगे तो अपने एक हाथ को उसकी बांह पर रखने की कोशिश नहीं करेंगे सामने। कई बार होता है ना, बांह एक हाथ बांह पे होता है, एक आप ऐसे कर लेते हो। उनसे कहा गया था कि शी जिनपिंग डजंट लाइक इट, और आप गले मत पड़ना उनके। तो ये उससे डरे डरे दूर से थे, बड़े मुश्किल से हाथ मिला रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ देर तक हाथ उनका ज्यादा पकड़ लूं तो आपत्ति हो जाए। और वैसे ये किसी अगर किसी महिला का हाथ पकड़ लेते हैं तो पता लग रहा छोड़ते ही नहीं है, है? विदेशों में जाके भी नहीं छोड़ते हैं। अब ये क्या कहा जाए इसके बारे में, मतलब ये कौन सी विकृति है? ये मानसिक विकृति होती है एक किस्म से, ये मानसिक बीमारी है एक्चुअली। और अब इस मानसिक बीमारी के बारे में भारत में लोग खुलकर बोलने शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बोलने शुरू हो गए, और ये शब्द जो है आत्ममुक्तता अब बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया। नार्सिसिज्म जो है अब लगातार चर्चा में आ रहा है प्रोग्राम्स के अंदर, कि क्या एक मनोरोगी हमारा प्रधानमंत्री है क्या? ये वर्ड यूज किए जा रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने यूज किया मेरे पर, कि क्या मनोरोगी भारत का प्रधानमंत्री है और पूरा भारत उसके पीछे बड़ा पड़ा है, कि ये तो भारत का भारत भाग्य विधाता है, वो अपने आप को देवता कहता है, वो अपना क्या कहते हैं कि आजकल अपने आप को ईश्वरीकरण में लग गया है, नई टर्मोलॉजी आई है ईश्वरीकरण, तो अपना वो ईश्वरीकरण कर रहा है कि आप मुझे भगवान मानो इस समय। ओम सैनी जी, देखिए चीन का संदर्भ आपने दिया, वो एक ऑर्गेनाइज और दुनिया की बेहतरीन हस्ती है, एक देश है जो अपने आप में बड़ा ऑर्गेनाइज है, और वहाँ इस तरह का वो सब चलता नहीं है जैसा मोदी जी हमारे यहाँ कर रहे हैं। और मोदी जी से भी ये अपेक्षा तो नहीं की जाती थी, कि क्योंकि इनकी ट्रेनिंग संघ में हुई है, तो संघ में काफ़ी कुछ अनुशासन शिष्टता ये सब समझाया जाता है, बुरी बातों के अलावा कुछ अच्छी बातें भी समझाई जाती हैं। लेकिन जिस तरह का व्यवहार इनका रहा है, और जिस तरह से इन्होंने अपने आप को समर्पित किया और खुद मुग्ध हो गए, वो जो 23 तारीख को जो इंटरव्यू छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें जो महिला है जिसने पूछा है कि आप इतने फिट हैं, आप इतने वो हैं, आप इस तरह का जब पूछा तो उनका कहा हर चीज़ पर उनको वाहवा नज़र आ रहा था कि हाँ। तो फिर उन्होंने बताया कि देखिए मुझे, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, कई बार मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नहीं, कहीं ईश्वर की कृपा से पैदा हुआ हूँ, और ईश्वर ने मुझे कुछ जो बीमारियाँ सौंपी है और वही मुझे ऊर्जा देता है, सब मैं करूँ इसके लिए मैं करता हूँ। बस पूरी दुनिया में जो चर्चा हो रही है वो इसी की हो रही है कि देखिए, तो मतलब जिस गोदों की तलाश थी या जिस कलयुगी अवतार की तलाश थी, वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और आप कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं उनको, वो सब कुछ कर देंगे। और वो लगातार इस पे यकीन करके और काम किए जा रहे हैं, देखिए जिस तरीके से उनको यकीन हो गया, ये अब वो झूठ नहीं बोलते, ये सच ही बोल रहे हैं कि मैं ईश्वर का दिया हुआ एक पारितोषिक हूँ जो जन कल्याण के लिए भारत में आया हूँ और भारत के निवासियों का भला करूँगा। तो देखिए अब ये उस पॉलिटिकल पार्टी का, उस संगठन का जिसने इनको जन्म दिया और आगे बढ़ाया, और उस पॉलिटिकल पार्टी का जिसके नेता है, उसका दुर्भाग्य है कि उन लोगों ने जितनी मेहनत से अपने आप को बनाने की चेष्टा की थी, चाहे हम उनकी राजनीति से ना इत्तेफाकी रखें, जो उनकी अलग किस्म की राजनीति है जो इस देश के संविधान के मुताबिक नहीं चलना चाहती, लेकिन ऐसा उसका मजाक उड़ेगा, ऐसा उसका सिलसिला बनेगा और उस पर कोई बोलेगा नहीं। मुझे दुख इस बात पर हो रहा है कि मैं बहुत सारे लोग देखे हैं इमरजेंसी के अंदर, इन लोगों के ही पार्टी के जो जनसंघ के ज़माने के, तो उसमें बड़े आला लोग भी थे, ऐसा नहीं था, उनकी वैचारिक दृष्टि से ही हम लोग ना इत्तेफाकी रखते थे, बाकी जिस तरीके का वो आदर सत्कार और शिष्टाचार बरतते थे वो तो हमें समझता था कि स्वाभाविक और ओरिजिनल है। लेकिन मोदी जी ने स्थापित किया कि ना ये कुछ लोगों के लिए है और मेरे लिए तो बिल्कुल ही अलग है, चूँकि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ, तो आप मुझसे टच कैसे कर सकते हैं, और जब ईश्वर से मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो आप बीच में कैसे आ सकते हैं, उस कैमरे के सामने भी आप नहीं आ सकते, और फिर जो कुछ मैं बोलना चाहता हूँ वो तो मैं एक आज की तरफ देखता हूँ और उस पर सब कुछ मुझे दिखता चला जाता है, उसको मैं बोल देता हूँ, वो जो काउंटर है वो यही तो है और क्या है,
कि स्वर की आवाज़ वहाँ से प्रकट होती है। ये लेकिन ये सबसे बड़ा, देखिए इसमें सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो मीडिया जगत है, जिसने इसको कहीं पर भी नहीं छीला। मतलब मुझे जब से समझ आई है, मैं ये सोच के हैरान हूँ कि अगर ऐसा हमारे वक्त के अगर फ्रैंक बर्स ने देख लिया होता, अगर अज्ञे जी ने इसको देख लिया होता, अगर किसी और एडिटर ने इसको देख लिया होता तो छील कर रख देते अपने एडिटोरियल से एक दिन में। लेकिन यहाँ तो सब प्रशस्तिकान में लगे हुए हैं। तो आत्मबुक भी उन्हीं लोगों के सामने हुआ जा सकता है जिन लोगों, जो लोग अनुमति देते हैं, वो आपके सामने आत्मबुक नहीं होंगे, वो मेरे सामने नहीं होंगे, सिन्हा साहब के सामने बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि जैसे ही आत्मुग्ध होंगे, कब आप उनका बल्ला खींच लेंगे कुछ पता नहीं है उस चक्कर में। लेकिन बहरहाल ये दुर्भाग्य है देश का कि, और इस पूरे सिस्टम का, जिस जहाँ सिस्टम बना हुआ है, इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेवारियाँ बनी हुई हैं, जिनके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री या हमारे मंत्री या हमारे राष्ट्रपति या हमारे उपराष्ट्रपति सब मूव करते हैं, या वो सब करते हैं, वो कोई भी नहीं है लाइन में, वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया इनके सामने। तो देख करके मुझे ये लगता है कि अगर ये 4 तारीख को अगर ये बने रहे तो बहुत मुश्किल है खैर बना रहना, लेकिन अगर ये हट गए तो उसके बाद में जो बदलाव आपको करने पड़ेंगे, जो सुधार आपको करने पड़ेंगे, वो इतने परेशान करने वाले रहेंगे उस सरकार के लिए कि अगर तो आप समन्वय बिठाएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। और दूसरी ओर इन्होंने जो सारे इंस्टीट्यूशंस CBI को जैसा बना दिया है, IT को जैसा बना दिया है, ED को जैसा बना दिया है, ये सारे जितने भी पार्लियामेंट्री सारे सिस्टम को जैसा बना दिया है, आप तो और तो और आप तो संसद के अंदर जो सुरक्षा कर्मी हैं वही बदल दिए गए हैं, वही कुछ अलग किस्म के सुरक्षा कर्मी आ गए हैं, और किसके हुक्म से काम करेंगे इसका पता भी अभी नहीं है। ये सब चीज़ें ज़्यादा भयानक क्यों लग रही हैं कि एक नादान आदमी को या एक विशेष राजनीति के अंदर दक्ष स्नातकोत्तर को आपने जो पद सौंपा है, जिसकी डिग्री का कहीं से पता नहीं लग सकता, कोई इंस्टीट्यूशन उसको चैलेंज नहीं कर सकता, उसको अस्वीकार भी नहीं कर सकता, तो उनके बीच में उनका किया हुआ सारा आप कैसे सुधारेंगे? आत्मुक्ता तो बहुत से इनके अब दर्जनों ख्याल हैं, इनके व्यवहार हैं जो सामने रखे जाएंगे तो बड़ा वो लगेगा कि क्या हो रहा है। मैंने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लोगों ने सीखा है बाबा, उसके बाद के लोगों से सीखा है, वो उनके उनको किसी से भी नहीं सीखा इन्होंने। इन्होंने तो शायद, मेरा ख्याल है कि वो जो अटल बिहारी वाजपेयी धीरे से कह रहे थे कि राजधर्म में थोड़ा यकीन करो, उसको निभाओ, तो उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आप तो थोड़े दिन के मेहमानों, बाद में मुझे संभालना है, मैं सब कर दूंगा ठीक। तो उन्होंने बताया कि देखिए राजधर्म ये होता है, राजा की कद्र होती है, राजा जो कुछ कहता है वो फाइनल वर्ड होता है, भगवान का, देवताओं का दिया हुआ एक आदेश होता है, और वो मैं कर दिखा रहा। अब अगर जब तक इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तो ये सब कुछ सुनना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो पापी है, जो इसमें दुष्ट है, वो मीडिया है। मैं बता रहा हूँ कि मीडिया ने अगर अपनी जिम्मेवारी निभाई होती, अपनी कलम प्रशस्तिगान में नहीं लगाई होती, अपनी आवाज़ इनको दी नहीं होती, तो कुछ नहीं कर पाते। आप और मैं और हम 4 लोग चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा कभी बंद नहीं हो सकती थी अगर वो लोग जो सिस्टम में बने हुए थे, अगर वो ईमानदार से काम करते। जी, असल क्या है ना कि भारत के एक वर्ग में भांडगिरी हमेशा